नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी पटना से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है स्वर्गीय जगलाल चौधरी पार्क शंकरबाग पटना में। नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृतसर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज दुनिया भर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है प्रकृति से जुड़ने के लिए और अपने को स्वस्थ रखने के लिए। और इस बार का विषय है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी योग इंसानियत के लिए। नमस्कार, अपना परिचय देंगे। जयंत सिंह, स्थानीय नेता और बीजेपी के प्रदेश कमेटी में है और पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। और हम लोग पार्टी के द्वारा तो हम हैं ही, लेकिन आम जनता को आह्वान हम करते हैं इस योग के माध्यम से कि जो जीवन में सुखमय जिंदगी जीना है तो निरंतर आप प्रतिदिन 1 घंटा का योग जरूर करें। आपके परिवार के लिए, आपके लिए, शरीर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, सभी लोग मना रहे हैं, सभी पार्कों में हो रहा है। लगभग देश के प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया है और सभी मुख्यमंत्रियों ने भी अपनी व्यवस्था, जैसा जहां व्यवस्था बनी है वैसे सभी पार्कों में कहीं ना कहीं देश पूरा जग के इस योग को कर रहा है। और मैं यही चाहूँगा कि सुखमय जिंदगी के लिए योग बहुत जरूरी है और योग निरंतर करना चाहिए हम सबको। आज उसी के तहत हम लोग ने आज जगलाल चौधरी पार्क में, ग्रीन पार्क में योग दिवस हम मना रहे हैं और हमारे सभी वरिष्ठ लोग हैं उनके साथ हम लोग बैठे हुए हैं, योग सिखा रहे हैं अपने माननीय परिचय कर दीजिए। अपने सीओ साहब हैं, धन्यवाद, रिटायर्ड सीओ साहब हैं। नमस्कार, अपना परिचय देंगे। मेरा जितेंद्र प्रसाद सिंह, रिटायर्ड अंचल अधिकारी। आज योग दिवस है, हम लोग जगलाल चौधरी पार्क में सभी लोग एकत्रित होकर हम लोग योग कर रहे हैं और यह प्रत्येक दिन करने का चीज है। इससे आदमी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ही सब कुछ है। तो इसलिए इस पर सब लोगों को ध्यान देना चाहिए और नियमित करना चाहिए। युवाओं को क्या संदेश देंगे आप, क्योंकि यहाँ युवा जो हैं बहुत कम दिख रहे हैं और बच्चे भी नहीं दिख रहे। बच्चे नहीं, पार्क बिल्कुल बंद था, इसलिए युवा नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, युवा भी आते हैं और युवा भी जो है प्राणायाम से, योगा से जुड़ चुके हैं। ठीक है, और सभी योगा युवा को मैं यह कहूँगा प्रत्येक दिन योगा करें, उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हेल्दी माइंड इज हेल्दी बॉडी, तो स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ जीवन, स्वास्थ्य में ही जो है स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए इस पर सब योगा पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए और नियमित इसको करना चाहिए, इससे सभी चीज में हम लोगों का जो है फायदा है। धन्यवाद, समापन किया जाए। चलिए, धन्यवाद। ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, अर्थ शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांति देव शांति, श्याम शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम।